सवाल भी पूछने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। हम आपको ये बता दें कि साहित्य आज तक के जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे, उनका शुक्रिया, धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय रजनीगंधा, को प्रेजेंटेड बाय सुजाता अप्लायंसेस, पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, बैंकिंग पार्टनर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी, माचो स्पोर्ट्स थर्मल्स एंड फेनर डिटर्जेंट पाउडर, और स्टेट पार्टनर उत्तराखंड सरकार। बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही पलों में हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, आप प्लीज कहीं मत जाइएगा। तैयार हैं आप लोग? दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुरेंद्र मोहन पाठक जी का। तेज। और इस सत्र के मॉडरेटर हैं शम्स ताहिर खान। शम्स ताहिर खान का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे नहीं चलेगा। तेज, मॉर्निंग का पहला सेशन है, ऐसा मत करो। माइक, मंच आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुरेंद्र मोहन पाठक जी और शम्स ताहिर खान का। एक बार तेज यार, मजा नहीं आ रहा है बच्चों। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सुरेंद्र मोहन पाठक जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूं तो शायद सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। तमाम लोग आप लोगों ने बचपन से पढ़े, कई कहानियां इन्होंने गढ़ी, कई क्राइम किए फिर सुलझाया, और आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि शायद इस तमाम लोगों में ऐसे कोई शायद होगा ऐसा जिसने सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें ना पढ़ी। 300 से ज़्यादा कहानियां। चूँकि मैं खुद एक क्राइम रिपोर्टर हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी क्राइम को गढ़ना, उसके बाद धीरे धीरे उस क्राइम को सॉल्व करना, फिर मुजरिम को सजा दिलाना, किताबों तक में तो ठीक है, असली दुनिया में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे अभी लेटेस्ट ले लीजिए आप, श्रद्धा मर्डर केस, 7वां दिन है आज, लास्ट सैटरडे को ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी आफ्ताब की। ये पहला ऐसा केस है हाल के सालों में जिसमें कातिल तो है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस को ये साबित करना है कि जो श्रद्धा मरी है वो वाकई मुर्दा है कि नहीं। 7 दिन हो गए अभी तक सबूत नहीं मिले। तो मैं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने इतनी सारे ऐसे क्राइम के केसेस सॉल्व किए अपनी किताबों के जरिए, आज शुरुआत यहीं से करूंगा। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाठक जी। आपने शायद, चूंकि आप क्राइम पे ही सब कुछ लिखते रहे, इस केस पे नजर पड़ी होगी आप, श्रद्धा केस पे। दिल्ली पुलिस 7 दिन हो गए अभी तक
सबूत नहीं ढूंढ पाई है कि श्रद्धा जिंदा भी है कि नहीं है। बल्कि कई लोग तो मजाक में ये कह रहे हैं कि किसी दिन श्रद्धा किसी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में ना पहुंच जाए। आपके हिसाब से अगर इस केस को आपको दिया जाए तो कैसे सुलझाएंगे आप? भाई पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत हाइनस क्राइम है, सोच के प्राण कांपते हैं कि किसी ने सच में ऐसा किया होगा। दूसरे ये एक बड़ी खराब टिप्पणी है मॉडर्न अर्बन सोसाइटी के लिए कि ऐसे क्राइम की हिंदुस्तान में गुंजाइश है। बंदा एक कार्प्स के 35 जिंदा कंपेनियन के 35 टुकड़े करे और उसके लिए फ्रिज भी स्पेशल मेल ऑर्डर से ऑर्डर किया, उसने फ्रिज भी स्पेशल ऑर्डर किया उन 35 टुकड़ों को महफूज करने के लिए ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए। तो ये सारी कोशिशें सिर्फ इस वजह से थी कि जो करतूत की है वो छुपाई जा सके। तो इस मामले में पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई नई बातें नहीं है, आदिकाल से होती चली आ रही हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि पहले मीडिया का फोकस नहीं होता था इन बातों पर, अब फोकस ऐसा होता है कि हटता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। सारे चैनल के पास आज की तारीख में एक ही न्यूज़ है दिखाने लायक कि लड़की के साथ क्या हुआ, 35 टुकड़े। कैसे पता है 35 टुकड़े? गिन लिए उसने, माना है 35 टुकड़े किसने? उसने परपेचुएटर ऑफ क्राइम जिसने किया है वो काम, आफ्ताब ने। वो लगातार पुलिस का कहना है कि झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। नहीं तो ये बनाई हुई बात है ना, कैसे एग्जैक्टली को कह सकता है 25 हुए या 35 हुए या 45 हुए। ये केस को ज़्यादा हाइनस शक्ल अख्तियार करे वो, इसलिए बनाई हुई बातें होती है। गलत है, बुरा है, बहुत पार्श्विक काम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये कहो कि ऐसा हमारे समाज में पहली बार हुआ है तो ये बात नहीं है। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि पुलिस ने क्या करना है। तो पुलिस के बारे में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ बातों में वो मजबूर होती है, चाहे भी तो उस अटेंशन से कोई काम नहीं कर सकती जिस अटेंशन का वो हकदार वो केस होता है। थाने में तो रोज़ 10-20-50 केस आते हैं, किसी एक केस पे सारी पुलिस फोर्स लगी रहे ये मुमकिन नहीं है। नए केस आ जाते हैं, उससे ज़्यादा ख़राब केस आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मेथोडिकल सिस्टम नहीं है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, कभी तुक्का लग जाता है, कभी कोई मुखबिर मिल जाता है, कभी कोई टेल टेल वो क्ल्यू मिल जाता है। मतलब कोई साइंटिफिक प्रोसीजर हो कि स्टेप 1 के बाद 2 लेने हैं, 3-4 लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने अपने 300 किताबें जो लिखी हैं उसमें कभी कोई ऐसा आपका हीरो और विलेन था, कोई कहानी थी जिसमें लाश के टुकड़े हुए? भाई मैं तो इतनी वायलेंट बातें लिखता नहीं हूँ, मेरा दिल हिलता है लिखने में ही, मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने सेक्स वायलेंस दोनों से हमेशा परहेज रखा है। लेकिन बात को किसी की ग्राफिक डिटेल में जाए बिना भी उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसको भी पब्लिक के रीडिंग पब्लिक के दिमाग में बैठाया जा सकता है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे नावल में एक 20 लाख का बकरा में एक प्रसंग था कि घर में विलन घुसाया, उसने जो हाउसवाइफ थे उसको कब्जे में कर लिया, उसको ड्रग का कोई इंजेक्शन दिया, सारी रात उसको पता नहीं लगा क्या हुआ। सवेरे जब वो उठी तो उसने पूछा तुमने मेरे साथ क्या किया, तो उसने ये बताना नहीं शुरू कर दिया कि ये किया। मैंने एक वर्ड लिखा सिर्फ सोच, बस नथिंग डूइंग। मैं ये नहीं किया, मैं ये किया वो किया ऐसे किया वैसे, नथिंग डूइंग। रीडर जानता है क्या किया है, उसको ड्रग का इंजेक्शन दिया है, वो अकेली है घर में, उसकी एडवांटेज उसने लेनी है। अब मैं उस बात के लिए 10 पेज लिखो, मेरी आत्मा कब मंजूर नहीं करती इस बात को। तो ये उसी से अटैच करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये बहुत दिल लाने वाली बातें हैं। एक चीज़ और है, अब चूंकि ज़माना बदला, टेक्नोलॉजी बहुत है, आजकल फॉरेंसिक साइंस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे हैं। कहा जाता है कि आजकल क्राइम करके बचना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हर चीज़ प्रूफ किया जा सकता है। बाहर का शोर बहुत है, कहा जाता है कि क्राइम करके बचना मुश्किल है। हाँ, वो क्राइम करके बचना मुश्किल में करने वाला अपनी चतुराई से नहीं बचता, दूसरे की लापरवाही से भी बहुत बार बचता है। आप पत्रकार हैं, जानते हैं इस बात को।
कोई ऐसा हार्ट एंड सोल से कोई केस के पीछे नहीं पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई अपनी होशियारी से बच जाए, दूसरे की नालायकी से लापरवाही से भी बचता है। बस ही डजंट पेड है, होता है तो मैं क्या करूं वाली एटीट्यूड है। हमारे यहाँ इतने कमिटेड क्राइम इन्वेस्टिगेटर कहाँ है कि वो कहे मैं जो इसको चैलेंज महसूस करेगी, ये मेरे सामने ये तथ्य आए हैं, मैं इसको हल करके रहूँगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, वो इसलिए होता है कि उनके उनकी सलाहियत याद है, उनकी सलाहियत याद है। जो बड़ा केस है जैसे आर्म्ड रॉबरी है, मर्डर है, ट्रीजन है, ऐसे केसेस थाने में आते ही नहीं, वो FBI के पास जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ थाने का केस हो, बहुत मैग्नीफाई हो जाए तो डिमांड होती है कि इसको CID को दो या किसी और को दो। कोई ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है ये कि भई ये बड़ा बड़ी वारदात हुई है, इसको बड़े ढंग से वो बड़ा महकमा इन्वेस्टिगेट करता है, नथिंग डूइंग। वहाँ तो है ऐसा, थाने में FDI एजेंट। आपने थाने की बात की, आपने इतनी सारी नॉवेल लिखी क्राइम बेस्ड, कभी ऐसा भी मौका आया कि किसी पुलिस स्टेशन के थाने से, मतलब पुलिस स्टेशन से या SHO ने या किसी पुलिस अफसर ने आपसे कहा कि आप इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कीजिए? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। कभी पुलिस वालों ने आपको अप्रोच किया कि आप इस केस को सुलझ नहीं रहा? फेस टू फेस नहीं किया, लेकिन राइटिंग में कई बार ऐसा हुआ, सारे फैक्ट किसी ने भेज दिए कि भाई आप इन बातों में आप ज़्यादा वो दिमाग लड़ा सकते हो तो सोचो कुछ क्या होता है। नहीं बस का था, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। मैं जो मिस्ट्री लिखता हूँ उसकी एग्जीक्यूशन भी मैंने सोचनी है और उसका सोल्यूशन भी मैंने सोचना है। एक आम आदमी बैंक में राबरी डालता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरा राबरी में कामयाब हो जाने के बाद आगे क्या होगा, लेकिन राइटर को मेरे को आगे के से भी मतलब है। मैंने सिर्फ राबरी डिज़ाइन नहीं करनी, उस राबरी को ब्रेक करके भी मैंने ही दिखाना है, ऐसे क्लू मैंने बनाने हैं, ऐसा कोई किरदार मैंने खड़ा करना है जो ये कहे कि हाँ मैं हल कर सकता हूँ। तो मेरा काम तो ज़्यादा विकट है। मैंने जो परपेचुएटर है उसके दिमाग को भी सोचना है क्या करेगा, और जो इन्वेस्टिगेटर है उसके दिमाग से भी सोचना क्या करेगा, उसके बिना तो कहानी बने ही नहीं। तो एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं सुरेंद्र मोहन जी, और वो ये है कि अगर मैं कुछ केसेस बताऊं, निठारी, आरुषि मर्डर केस, तंदूर कांड, या फिर जो देहरादून में हुआ था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी बीवी के 70 टुकड़े करके फ्रीजर में डाल दिया था, या फिर अभिश्रद्धा केस जिसमें 35 टुकड़े किए, इस तरह के क्राइम, एक तो होता सिंपल मर्डर, एक होता मर्डर करने के बाद उससे बचने के लिए या लाश को डिस्पोज करने के लिए, छुपाने के लिए, इस तरह की कि आप दो दो दिन तक बैठ कर लाश के टुकड़े कर रहे हैं, ये सोच आती कैसे है और कहाँ से? पहले तो मैं इस बात को से थोड़ा सा, मेरे को इत्तेफाक नहीं है कि इतना बड़ा क्राइम, इतना हाइनस क्राइम जो है बंदा कोई प्लान करके करता हो, ये इम्पल्स के क्राइम है, एकाएक होने वाली बात है। हमारे यहाँ जो है हमारी सोसाइटी में क्राइम कहाँ होता है, एलीट में तो होता नहीं, कभी सालों में एक बार होता है, या गरीब तबके में होता है, या नहीं। यहाँ पे है कि क्राइम प्लान करके करता है, चलिए मान लिया जैसे श्रद्धा केस है, पुलिस का ये कहना है कि उसने अचानक गुस्से में मारा, लेकिन उसके बाद जो उसने किया अगले 20 दिनों तक, दो दिनों तक लाश के टुकड़े करता रहा, उसके लिए आरी खरीदी, पॉलीथीन लिया, फिर कहाँ कहाँ उसको फेंकना, तो ये तो पूरी प्लानिंग हो गई ना? नहीं नहीं, प्री प्लानिंग नहीं हो गई। मेरी बात को आप पहले जरा ठीक से समझिए, प्री प्लानिंग हो गई, होती भी है, लेकिन वो इक्का दुक्का केस होता है। वो नावलों में हम करते हैं प्री प्लानिंग के बंदे का, ये मैं मर्डर कर दूंगा या मैं बैंक रेगरी काट रहा। ये जो हमारे सोसाइटी में इतने बड़े क्राइम जो होते हैं ना, मर्डर है जैसे, ये वो इम्पल्स में होते हैं, उस मोमेंट के में कोई आपा खो के जैसे वो करता है, कोई तरतीब से सोचे कि मैं ये कुछ कर दूं जैसे आफ्ताब ने किया, किया ठीक है, गलत किया या नजायज़ किया, वो सजा पाएगा या नहीं पाएगा, ये जुदा मुद्दा है, लेकिन ये रोज़ होने वाली बातें तो नहीं है। लेकिन जो क्राइम रोज होते हैं, वो जो हमें दिखाई देते हैं, जिससे हम मजबूर हैं, जिससे हमारा निजाम भी मजबूर है, पुलिस तो उसमें भी कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे आपने बहुत सारे
अपने नावल में क्राइम का ही सीन तैयार किया, फिर उसे सॉल्व किया, तो एक कातिल मान लीजिए आपके किसी भी नॉवल के विलन के उठा लेते हैं और वो कत्ल करता है, चूँकि आप ही किरदार पैदा कर रहे हैं, आप ही लिख रहे हैं, तब उसको बचना भी है, तो बचने के क्या क्या उपाय करने हैं ये जब आप सोचते हैं तो किन किन पहलुओं से सोचते हैं कि अपने इस विलन को आखिर तक बचाना है? असल जिंदगी में वो उपाय नहीं करता ना, लेकिन आप नॉवल या कहानी के जरिए आप सोचते हैं। मेरा तो कारोबार है ऐसी बातें सोचना, मैं वो बात लिखूंगा ही नहीं जिसके अंजाम से मैं पहले से वाकिफ नहीं हूँ। देखो ना, एक स्टोरी मैंने सोची है, एक स्टोरी मैंने सोची है, पहले मैंने उसका एंड सोचना है, बिगिनिंग नहीं सोचनी, पहले एंड, क्लाइमेक्स पहले सोचते, एंड सोचना है। मिस्ट्री स्टोरी आखिर से शुरू की तरफ चलती है। अच्छा, शुरू से आखिर की तरफ नहीं चलती। जब आप एक स्पेक्टिकुलर एंडिंग आपके दिमाग में आ जाती है तो पीछे चलना पड़ता है, बाकी काम आसान होते हैं। भाई ये मैंने एक एंडिंग सोची है, इसके लिए मुझे कितने करेक्टर चाहिए, राइटर वो तैयार करता है, उसमें से कितनी फीमेल हो कितनी मेल हो वो तैयार करता है, उसके बाद किस पे किस लेवल का शक हो और कैसे वो शक वाली बात उजागर हो, ये सारी बातों की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन ये तैयारी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको ये नहीं मालूम आप नावल का एंड कैसे करेंगे। ये एक फ़र्क है रियल लाइफ में राइटर की लाइफ में। मेरी क्या डिमांड्स हैं राइटिंग की, जिस वजह से मैं इतने नावल लिखने के बाद आज भी मेरी किताब लोग पढ़ते हैं। पहली बात यह है कि इमीडिएट टेक ऑफ हो। किताब जो है 250 पेज की, 200 पेज की किताब है, तो स्टोरी लाइन अभी 60-70 पेज में शुरू हो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता लिखना। पहले तो पहले पेज में, पहले पहरे में कोई ऐसी बात हो बंदे की रुचि जागृत हो कि मैं आगे पढ़ूँ। दूसरी है विविध करेक्टर्स, कि करेक्टर्स में ऐसी विविधता हो, ऐसी खूबियाँ हो जो पढ़ने वाले को इम्प्रेस करे। तीसरी इंटरेस्टिंग टेक ऑफ कि आगे क्या होगा वाली बात है जी। उसके बाद स्पेक्टेकुलर एंडिंग तो मैंने की है, और सबसे बड़ी जो मेरे लिए चैलेंज है कि डायलॉग ज़्यादा हो डिस्क्रिप्शन कम हो। तो ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ये पुलिस का इनसे क्या वास्ता है, उन्होंने तो अपना टू दी पॉइंट एक काम करना है, जैसे उन्होंने किया मौका वारदात पर लेके चले गए, क्या करें। ये बातें मार्जिनल है, इन बातों से केस नहीं हल होते। कोई टेल टेल साइन हो जिसके लिए तलाश की जरूरत ही नहीं है, जो छुपे ही नहीं, मिलते हैं लोगों को। मैक्सिमम क्राइम जो है, देखो लोअर क्लास के इतने बड़े जो क्राइम है विद इन 24 आवर्स हल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, वो करने वाला ही पछताने लगता है मैंने ये क्या कर दिया, छुपता नहीं वो, उसको दो बार घुड़को तो वो मान जाता है, फिर मुखबिर निकल आते हैं गली मोहल्ले वाले, नहीं जी नहीं इसने किया, बीवी को पीटता था, ये करता था वो करता है। तो हमारे जो इस टाइप के क्राइम होते हैं 80-85% जो है हाथ के हाथ ही साल हो जाए। आपने जैसे कहा जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं वो इतनी जल्दी टूटते नहीं है, दो चीज़ जो आपने भी याद दिलाई, मौका है वारदात, सीन ऑफ क्राइम वाली क्लास नहीं, मैं मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि सीन ऑफ क्राइम कहते हैं कि हर क्रिमिनल या कातिल जिस जगह पे वो क्राइम करता है एक बार उस सीन पर जरूर जाता है। ये किताबी बात है ना, मैंने ये हकीकत में भी है, ये कई ऐसे केसेस हैं जिसमें पता चला कि हाँ वो मौके पे पहुंचे। मैंने तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, नौजवानी में क्राइम एंड पनिशमेंट में पढ़ी थी, जिस पर फिर सुबह होगी फिल्म अच्छा, भी बनी थी बिल्कुल। तो मुबारक जो एक्टर था पुलिस मैन बना था, वो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि हीरो क्राइम प्ले सीन ऑफ क्राइम पर दोबारा जाएगा। लेकिन ऐसी कोई वो कायदे में ये बात कोई स्थापित नहीं है कि ऐसा होता है, काय को जाएगा वो, क्यों जाए, ये एक डर होता है। ये फिक्शनल टच वाली बातें हैं, बनाई हुई बातें हैं जिसको हम टो करते हैं ये जानने के लिए कि हम भी बड़े जागरूक हैं, चतुर सुजान हैं, चार बातें हमें भी मालूम है। इनका रियल लाइफ में कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। आप ये कहें कि ये कोई रूल है कि एक बार जो क्राइम है परपेचुएटर दोबारा वहाँ जरूर जाएगा, नथिंग डूइंग। आप दिखाओ कोई ऐसा क्राइम इंडिया का, मेरे को कोई धक्का दे के ज़बरदस्ती पुलिस वाला उसको कान से पकड़ के लेके जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट रीज़न। आफ्ताब के साथ यही है ना, वो खुद क्यों जाएगा, इज ए फूल, क्यों जाएगा वो खुद, आप बताओ। लेकिन ये कहा गया मुझे कोई एक वजह बता दो, उसने एक मिनट के लिए विचार करो कि
उसने फ्रिज से जो कुछ किया था वो चला तो नहीं, क्योंकि वो डिकम्पोज होने लगे बॉडी, कहीं फेंक के आया है ना, उसके तो प्राण कांपने चाहिए उस जगह के करीब भी फटकने में, वो वहाँ क्यों जाएगा भाई। नहीं, यहाँ पे यही दोनों देखिए अलग अलग चीज़ें, एक जो मैंने कहा सीन ऑफ क्राइम पे क्रिमिनल जाता वो इसकी वजह ये है कई ऐसे केसेस में कि उसे डर रहता है और वो जाकर देखना चाहता है कि पुलिस इस केस में कहाँ तक पहुँची, कोई लीड तो नहीं उस तक जा रहा। इसी पे दूसरा आ रहा हूँ, आफ्ताब, फ्रिज में डिकम्पोज बॉडी सारी बातें हैं, लेकिन क्राइम में अक्सर ये देखा गया है कि कोई क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो सबसे पहले अगर कोई बैंक में रॉबरी करता है तो बैंक को छोड़कर भागता है, कहीं चोरी करता है उस घर से भागता है, रोड एक्सीडेंट करता है तो वहाँ से भी भाग जाता है, मतलब क्रिमिनल मौका या वारदात पर टिकता नहीं क्योंकि उसे डर रहता है। लेकिन ये इकलौता केस है जहाँ पे आफ्ताब मर्डर करता है और अगले 6 महीने तक उसी घर में लगातार रह रहा, भाग नहीं रहा। अरे शम्स जी, जब आप मान रहे हो ये इकलौता केस है तो फिर उसको जनरलाइज ना करो ना। नहीं, कई ऐसे और केस है शायद, मुझे नहीं मालूम। हाँ देखो, मेरे गुरु गुरु होता है, सुनो ना, मैं गन लेके थाने में गया। नहीं वैसे मैं बताऊं सच में, बचपन से हम लोग गुरु मानते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जुबानी कह रहे हैं इकलौता केस है, लेकिन नहीं है, दिस इज वन ऑफ द काइंड, कल को दोबारा नहीं होने वाला। मैं आप ही के दिमाग से जानना चाहता हूँ कि वो क्यों 6 महीने तक उसी घर में पड़ा हुआ, उसे डर नहीं है, ऐसा क्या हो, मतलब क्या सोच के बेवकूफ है, उसने सोचा नहीं, उसने सोचा रेफ्रिजरेटर बड़ी बहुत बड़ी करते भी आइटम है, कुछ नहीं पता लगा, बॉडी ने तो अपने टाइम पर डिकम्पोज होने, पुलिस के कितने सारे केस फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी के सदके साल होते हैं, वो बॉडी से ये पता लगा सकते हैं कि कत्ल का वक्त क्या था, है वो बॉडी की डिकम्पोजिशन की डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन से वेदर कंडीशन के मुताबिक पता लगा सकते हैं कि कत्ल हुए कितना टाइम हुआ है। तो ये बातों पे अगर आदमी एम्फेसिस रखे तो कुछ करेगा ना, जब नियत ही नहीं है करने की जैसी हमारी पुलिस की है तो फिर क्यों कुछ करेगा। अब फिर ये सीन, अभी बात आपका बेसिक सवाल सीन ऑफ क्राइम पर लौटने का था, आप मेरे को इमेजिन करो, मैं गन लेके था वहाँ गया बैंक में, मैंने सबको धमका के कैश लूट लिया जितना भी था थोड़ा, लौट के क्यों जाऊंगा मैं, अखबार में पढ़ूंगा क्या हुआ। आप उसको याद करो यूटीआई बैंक वाले को जो बॉडी सारी पे है, अपने बम जो कि नकली भी था कि मैं इसको ये रिमोट है, मैं अभी इसको उड़ा दूंगा, नहीं तो कैश मेरे हवाले कर दो, वो सब कुछ कामयाबी से कर चुकने के बाद कहाँ गया, बैग कहाँ गया, उस ब्रांच में थोड़ी गया, वो पकड़ा भी इसीलिए गया कि उसने अंधाधुंध पैसा खर्चना शुरू कर दिया। लौट के आया तो सारा पड़ोसी के भी कल तक ये दाल रोटी का मोहताज था, आज बैंकॉक की सैर करके आया, कैसे हुआ, पकड़ा गया, अपनी नालायकी से नादानी से पकड़ा गया। इस सारे सिनेरियो में अगर वो थोड़ा इस बात में वो करता कि जो नोट मैंने लूटे हैं इसको छुपा दूं और साल भर इनकी शक्ल ना देखूं, तो दिखाए ना कोई पकड़ के, पकड़ती तो उनकी नादानी नलायकी लापरवाही है जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के लिए एडवांटेज बन जाती है। आपको लगता है पिछले 10-20 सालों में जब से नई टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें आई हैं, आपके उस दौर की पुलिस आज के इस दौर की पुलिस में फ़र्क आया इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ों में? फ़र्क किस बात में है, फ़र्क पहली पुलिस अंग्रेज के टाइम की बात करूं तो बहुत मुस्तैद थी, क्योंकि अंग्रेज का डंडा मजबूत था उस वक्त, लॉर्ड और ऑर्डर का अपना से किसी की मजाल नहीं होती थी। मिसाल देता हूँ, 40 गांव का एक थाना होता था, मैं अंग्रेज का टाइम देखा है मैंने, मैं लाहौर में 8 साल का था, 40 गांव का एक थाना होता था, एक हवलदार डंडा हिलाता गांव में जाता था, 6 आदमियों को गिरफ्तार करके ले जाता था। आज पुलिस जीप भर के, टेम्पो छोटी बस भर के 20-25 लोग एक आदमी को गिरफ्तार करने जाते हैं, मार खा के आते हैं। ये कैसा ला एंड ऑर्डर है, पुलिस की किसी को कोई वही नहीं है कि खतरा कोई वो किसी तरह का। अंग्रेज के टाइम में मेरी माँ ने बाज़ार से मिट्टी का तेल लेने भेजा जो राशन में मिलता था, मैं तब 9 साल का था, बोतल लेके गया लेने के लिए, आ गया वापस बहुत जल्दी, माँ ने पूछा आज बड़ी जल्दी तेल मिल गया, वहाँ तो लाइन मिलता ही लगती है। तो मेरा आज का ताज भी जवाब याद है कि मैं गया ही नहीं, क्यों नहीं गया, बाज़ार में सिपाही खड़ा था, वो हिलेगा तो मैं जाऊँगा। आजकल किसी को परवाह है, बाज़ार में डीसी भी खड़ा हो सिपाही की तो दूर की बात है,
कोई औकात नहीं छोड़ी करप्शन ने पुलिस की, कोई औकात नहीं छोड़ी करप्शन की पुलिस। पुलिस के अलावा आपके आज के इस दौर में क्राइम में कुछ जब तब्दीली आई है, जो पहले जिस तरह के क्राइम थे अब अलग क्राइम? पहले ही कहा, आजकल के क्राइम बड़े वो होते हैं, वो क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, मोटे तौर से होने वाले, 24 घंटे में हो जाता है जो होना होता है, पकड़ा जाता है बंदा, इसीलिए पकड़ा जाता है कि उसकी इतनी सलाहियत नहीं कि वो तैयारी करके ऐसे किसी बात को अंजाम दे। लेकिन आपने कहा पकड़ा जाता है, यहीं पे एक सवाल आपसे भी है, पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी के रेट तो हैं। बीच में टोक रहा हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता आखिरकार पकड़ा जाता है? सारे पकड़े गए का? सारे पकड़े गए नहीं, सारे पकड़े गए का डेटा तो नहीं है ना? मैं वही डेटा पे ही आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा हूँ सुरेंद्र मोहन जी। ज्यादातर केस में पुलिस ये कहती है हमने पकड़ लिया, ठीक है, ऐलान भी कर देती है, लेकिन जब मामला कोर्ट पे जाता है, जैसे सिर्फ मैं रेप का केस उठाता हूँ, रेप के जो अभी हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट है इंडिया में, वो हर 4 में से 3 छूट जाता है अदालत, सिर्फ एक, मतलब 100 में 75 बरी हो जाते हैं, 25% है कन्विक्शन रेट। तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद वही जो बात फिर आ जाती है कि सारे सबूत इकट्ठा करना, कोर्ट में एक मजबूत केस खड़ा करना, वहाँ सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश की पुलिस का यही रिकॉर्ड है कि हम कन्विक्शन नहीं करवा पाते, ये कहाँ पे कमी रहती है? कोर्ट की अपनी लिमिटेशंस है, कोर्ट मजबूर है, उसको पता होता है ये मेरे सामने मुजरिम खड़ा है जी, मैं उसे सजा नहीं दे सकता। वो मट्टू वाली केस में, प्रियादर्शनी मट्टू वाले केस में यही हुआ था, मैं जिस जज ने भावुक होकर ये कहा कि मैं जानता हूँ मुजरिम मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं इसे सजा नहीं दे सकता, क्योंकि पुलिस ने केस को जानबूझ के कमज़ोर बनाया है। जानबूझ कर वो ये चाहते थे कि ये इसके खिलाफ कोई मजबूत डिफेंस के काबिल केस कराना हो, ताकि ये बेनिफिट ऑफ डाउट से छूट जाए। ये जो आप कहते हैं ना, इतने जने छूट जाते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट एक बहुत बड़ा हथियार है मुजरिमों के लिए, अदालतों के लिए नहीं, पुलिस के लिए नहीं, ये किसके काम आता है? जो पकड़ा गया है सबको पता है ये मुजरिम है, सबको पता है। हमारे नेताजी नहीं थे यूपी के, 80 गवाह मुकर गए उनके खिलाफ, 80, 2, 4, 6, 10, जिनमें आंखों के आगे वो कहता है जी हाँ हमने ये अब गवाह है, हमने देखा सुना। वो ये जैसे आपने शामियाना लगाया गया है, उसके बारे में ठेकेदार से पूछा है तो उसका जवाब था गलत है, लगा ही नहीं शाम, ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। जो हवालदार वहाँ था वो कह रहा है मेरी वहाँ से स्टेज की तरफ पीठ थी, मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। ऐसे ही पब्लिक में से 80 गवाह जो कहने वाले थे, आपको पता है कौन से केस की बात मैं कर रहा हूँ, 80 गवाह मुकर गए, 80 गवाह, 2, 4, 6, 10 नहीं, उन्होंने जो कहा लिखवाया अंगूठा लगा, कोई पेशी नहीं हुई, कुछ नहीं, तो गवाह है हाँ इधर आ, ये लिखा हुआ है, इस पर अंगूठा लगा। तो किस किस्म की वो जुडिशरी के अंडर आप? इसी आपने अभी कहा बेनिफिट ऑफ डाउट और जुडिशरी दोनों से जुड़ा हुआ बड़ा ही अभी ताज़ा एक मामला हुआ है, इसी मंथ छावला में एक गैंगरेप हुआ था एक लड़की का, जो उत्तराखंड की थी। हाँ। 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, लोअर कोर्ट ने 3 को फांसी दी, हाई कोर्ट ने 3 को फांसी दी। हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1st week of November 3 को बरी कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है इतना लंबा सालों में जाके सिरे पे पहुंचता है, ये भी साल तो नहीं होना चाहिए ना, ये भी तो गलत है। हाइनस क्राइम का समरी ट्रायल होना चाहिए, ये लंबी लंबी तरीके, डिफेंस के वकील का गला खराब है बोल नहीं सकता इसलिए 3 महीने की डेट डाल दो, मेरी पसली दुख रही है इसलिए डेट डाल दो, मेरी भतीजी की शादी है इसलिए डेट डाल, ऐसे कोई सब वो सजा पाते हैं लोग, ऐसे सजा नहीं पाते लोग, ऐसे सजा को टालते हैं लोग, इतना टालते हैं सुखराम की तरह कि आखिर वो मर जाता है, क्या फ़ायदा हुआ? कानून ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस ने भी अपना काम कर दिया, नतीजा तो कोई सामने नहीं आया ना, नतीजा तो कोई आम नहीं थी। मैन हु इज परपेचुएटर ऑफ द क्राइम इज स्कॉट फ्री, सबको पता है कि ये मुजरिम है, लेकिन अब वो कोर्ट का प्रोसीजरल सिलसिला है, वो चलेगा, तरीके पड़ेगी, आगे वो अपील करेगा, अपील के बाद दूसरी अपील करेगा, तब तक मर जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा। क्यों फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं होता, हाइनस क्राइम के समरी ट्रायल्स होते हैं, समरी ट्रायल्स होते हैं, यहाँ हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है समरी ट्रायल का, हमने सिस्टम बनाया ही ऐसा है कि वो हमारे हक में काम ना करे,
वो गुनाहगार के हक में काम करें। अगर ये वजह ना होती तो लोकसभा में 1/3 जमानत पाए एमपी ना होते। क्यों है ये रूल, क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि दूसरे को बेनिफिट करे, इसलिए नहीं बनाया कि नेक शहरी को बेनिफिट करे। नेक शहरी ने तो जूता ही खाना है, चाहे नेता से खाए चाहे किसी से खाए। ये रूल किस लिए कैसे क्यों बनाए जाते हैं कि ये उनके लिए एक वो है चोर दरवाजा, ये रास्ता जी ऐसे ही जब सजा होगी तो देखेंगे। अभी तो अब मुजरिम मुलजिम है, आप देखो उर्दू दान समझते होंगे, आप में से शायद कोई जब ना समझते हो कि मुजरिम और मुलजिम में क्या फ़र्क होता है। हाँ आप तो समझोगे, आप तो थानेदार हो। मुलजिम वो होता है जिसका सबूत, जिस पर अभी गुनाह साबित नहीं हुआ, जिस पर अभी इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम लगा है। अब मुजरिम वो है जो जिस पे जुर्म साबित जो हो गया कारोबार उसका। तो हमारे यहाँ तो जितने रसूख वाले लोग हैं वो सब मुलजिम है, जमानत से छूटे हुए हैं। यहीं पे सुरेंद्र जी एक सवाल, चूँकि अभी बात हुई अदालतों से बच जाते हैं, कानून इस तरीके का बनाया गया है। चलिए कई बार होता है कि पुलिस ने काम ठीक से नहीं किया, जांच ठीक से नहीं की, सबूत पेश नहीं किया, इसलिए आप अदालत से बच गए, जैसे छावला केस। लेकिन एक उसको उल्टा और एक एग्जांपल है, उस पर आपकी अपनी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ। इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का कत्ल होता है, राजीव गांधी का, श्री पेरम्बदूर में LTTE के जरिए कराया गया था। उसमें बाकायदा हर कोर्ट ने सज़ा दी, पहले डेथ पेनल्टी थी, फिर उम्र कैद, जब तक जिंदा हैं जेल में रहेंगे, जिसमें नलनी से लेकर बाकी 6 लोग थे। अभी लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने उन 6 के 6 लोगों को कहा कि अब इनको बरी कर दो, क्योंकि ये 30-31 साल जेल में रह चुके हैं। तो एक तरफ तो चलिए कि अदालत में सबूत और ये सारी चीज़ें ना हो आप बरी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे क्राइम में जिसमें एक देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ है और उसमें फिर 31 मतलब साल तक जेल में रहने के बाद छोड़ दिया जाता है, आप इसको किस ढंग से लेते हैं, आपकी इसमें राय क्या है? ये देखो ना, जो आप कह रहे हो ना 35-30 साल इतने सालों की सजा, ये भी तो रिसेंट शुरू हुई है। पहले तो जब उम्र कैद वर्ड कहते थे तो 14 साल ही मानी जाती थी। वेस्टर्न कंट्रीज में तो 150 साल की सजा सुनाते हैं, वो सब सुनाते हैं, उन्हें पता है कि ये इतने साल जिंदा रहने वाला नहीं है, ना रहे, हमें क्या लेना है इससे। तो इस पे आपकी क्या राय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया? सजा तो जी सख्ती होनी चाहिए, सजा हम दर्द बन के नहीं होती। कोई कहे मैं बड़ा पछता रहा हूँ बीवी का कत्ल कर दिया, इतने से नहीं छूट सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए क्राइम। आप ये कहो मुझे मालूम नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी, तो ये जो इग्नोरेंस है ये परमिटेड नहीं है, ये नहीं मानी जा सकती। एक सवाल और सर, उसके बाद मैं चाहूँगा कि कुछ लोग बैठे उनसे भी पूछूंगा आपसे वो सवाल, हालांकि मेरे अपने पेशे के भी खिलाफ है, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, वो ख़त्म हो गया तो फिर मेरी नौकरी भी चली जाएगी। क्या कभी जुर्म कम होगा या ख़त्म होगा? क्या क्राइम कभी ख़त्म होगा? ना, नेवर नेवर, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। इंसानी फितरत है लकीर के अलग से चलने की, वो सीधा नहीं चल सकता, वो दाएं बाएं वो इस किस्म के सिलसिले। और दूसरे हिंदुस्तान पे तो ये बात इसलिए लागू है कि हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे रोटी कपड़ा मकान की हर सिटीजन की गारंटी है, हमारे यहाँ तो नहीं है। आज रिसेंट नारे नूरे लगे हैं, बेशक लगे, अमल में तो नहीं लाए जाते ना। लोग भूखे मरते हैं, हर कुछ होता है, फुटपाथ पे सोते हैं, करते हैं या नहीं करते? तो फिर ये इतने बड़े बुनियाद में जब आदमी भूखा मरेगा, जब आप उसको बिल्कुल पीठ दीवार के साथ लगा दोगे, कॉर्नर कर दोगे उसके, तो वो कुछ भी करेगा, उन्माद में करेगा, कुछ भी करेगा। हाँ, कोई है जो माइक है? अगर मुझे ना सुनाई दे तो मैं कर दूंगा, बेफिक्र जी। सर नमस्कार। हेलो, बोले बोले, आवाज आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। सर मेरा एक क्वेश्चन सबसर से है, इस केस को जो श्रद्धा मर्डर केस है, आप इसको कैसे बाकी केसों से अलग मान रहे हैं? मैं क्राइम तक का रेगुलर लिस्नर हूं और मैंने कम से कम आपके मुंह से ऐसी 50 स्टोरी सुनी है, देहरादून के डॉक्टर की भी सुनी है और भी अलग अलग तरह की सुनी है, जिन्होंने लाश को काट के अलग किया और ऐसे ही उस केस को भी अलग किया उन्होंने।
तो सर उन केसों में और इस केस में क्या डिफरेंस है, इसको आप अलग क्यों मानते हैं? बहुत सारे ऐसे लाश के टुकड़े हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन से अलग मानता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जिसने किया अब तक, हालांकि मुझे नहीं मालूम वो 100% सच बोल रहा है कि नहीं, लेकिन जिसने किया वो पुलिस के पास है। लेकिन पुलिस कातिल तो है, जो मकतूल, मकतूल मतलब जिसका कत्ल हुआ है, वो नहीं है, उसका अभी सुराग नहीं है। तो ये जमाने के बाद ऐसा एक केस मिला है कि जिसमें कातिल आमतौर पर पकड़ाता नहीं है, बाद में मिलता है, लेकिन यहाँ पहले वो मिला है, लाश नहीं मिल रही है, इसलिए अलग। अभी सुनो, आप एक बात सुनो, इसमें आपने कहा अलग मानने की बात है, मैं नहीं अलग मानता, ये एक पर्टिकुलर केस ज़्यादा उछाला गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जो जिन केसों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई या जो मीडिया के नोटिस में नहीं आए वो नहीं हुए। बहुत क्राइम होता है जिसकी खबर नहीं लगती है, बहुत क्राइम होता है। अब वो माइक नहीं है, माइक दे दो यार। बाकी हो गया सवाल इनका, दूसरे को बोल ले दो। पाठक जी नमस्कार। हाँ जी, आपने इतने बेहतरीन नॉवल लिखे, लेकिन आपके नॉवलों पे ज्यादा कोई फिल्म या टीवी शो नहीं बने, ऐसा क्यों? और यदि अगर आपके सारे 300 से नावलों में एक किसी पे फिल्म बनानी हो, आप कौन सा नावल रिकमेंड करेंगे? भाई देखो, वो अलग कारोबार है, उस पर मेरा जोर है लिखने पे, जो टीवी शो वगैरह की बात है मैं तो नहीं बनाता ना, मेरा क्या जोर है उस पर? कोई नहीं पूछता मेरे को, मैं क्या करूँ? आप बताओ जवाब दो इस बात को। OTT पहले होता ना तो लगता है पाठक साहब के तो सीरीज पे सीरीज होते। आप सुनो, मैं लिखना बंद कर दूं तो गुनाहगार हूं। इनका कहना, अगर आपके पूरे नॉवल में किसी एक पे कोई फिल्म बने तो वो कौन सी होगी? सब पे। सब पे, गुड। हाँ भाई, इधर सुनो, मैं आपसे वाकफ हूँ इसलिए कह रहा हूँ, एक माँ के साथ बेटे होते हैं, वो कभी कहती है इसमें आपस में कोई फर्क है? उसके लिए एक बराबर है सब, तो वो क्यों कहेगी, प्रेफरेंस क्यों बताएगी? है पंजाबी में कहते हैं इसको, माँ जमीन दी सत कर्म ना देंदी वट, किसी के कर्म नहीं तब्दील कर सकते वो। हाँ, तो यही बात है। नावल मैंने अब पूरी मेहनत से हर नावल लिखा है, किसी में डंडी तो नहीं मारी ना, किसी ने शार्ट चेंज तो नहीं किया ना, तो मैं अपनी जुबानी कैसे कहूँ कि तीसरा पांचवे से अच्छा है या पांचवा नौवें से अच्छा है? नमस्कार जी, मैं मनीष अग्रवाल। आपका रेगुलर जवानी हमारे को आपके नावल पढ़ के आई है, अब तो जवानी जा रही है। हमें एक मेरा एक सवाल है कि जो सुनील आपका करेक्टर है वो कब हमारी तरह मेच्योर होगा? अभी वो रिपोर्टर ही है अभी तक, वो कब तक वो उम्र के साथ बढ़ेगा? इनका सवाल ये है कि जो सुनील आपका कैरेक्टर है वो कब मैच्योर होगा, कब बढ़ेगा, बड़ा होगा? भाई इसमें थोड़ा फर्क है, आप पढ़ते हो, मैंने सुनील सीरीज के 122 नावल लिखे हैं 54 ईयर्स में, लेकिन उसका जो स्पैन ऑफ एक्शन है जिसमें वो एक्टिव है वो तो 4-5 साल का है। अब देखो ना, मैंने आज एक नावल लिखा, उसमें मैंने उसकी लाइफ का 5 दिन का या हफ्ते का वो जो ऊंच नीच है सब दर्ज की, और 2 साल सुनील का नावल नहीं लिखा, तो उसके बाद जब लिखूंगा तो उसी दिन के बाद से तो शुरू करूंगा, तो वो सारा जो घटनाक्रम है वो 4-5 साल का है। सुनील की उम्र मैंने दिखाई है, पहले 25 का था, अब 34 का है, 60 का तो नहीं मैंने कहा ना उसे। नहीं, इन्होंने कहा इनकी उम्र बढ़ रही है, सुनील की वहीं टिकी हुई है, ये कह रहा। नहीं, जो फिक्शनल हीरो है उसने तो वैसा ही रहना है जैसा शुरू में था, वही आखिर तक रहना है। अब मेरी बात नहीं सोचते हो, मेरी इतनी उम्र हो गई, जो सुनील की स्मार्ट सर की उम्र 83 साल है करीब, लगते नहीं है, लेकिन आप ही रहा हूँ ना। जी पूछे। शब्द सर नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जो अभी श्रद्धा वाला केस हुआ है, श्रद्धा के केस की ही तरह से सेम उसी तरह टुकड़े करे गए थे, नैना सहानी कांड आपको याद होगा, ठीक है? उस पे बाद उनके तो अग्नि उसमें जब जलाए जा रहे थे तंदूर में, तब वो कुछ लोगों ने जो देख लिया था, एक लेडी ने, और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा था, तब वो पकड़े गए थे। और इसमें तो अभी फ्रीजर में जो है कुछ टुकड़े हैं, तो उससे क्या उसकी बॉडी का नहीं पता लगाया जा सकता है कि ये श्रद्धा की एक्चुअल बॉडी है या क्या है?
किसकी बॉडी है, और ऐसे लोगों को जो है फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी जाती, कुछ दिन उनको जेल में रखा जाता, खिलाया पिलाया जाता और उसके बाद इनको बाइज्जत वरी कर दिया जाता है। मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, ये कह चुका हूँ कि कानून में कुछ खामियाँ हैं जिस वजह से ऐसा होता है। बाकी ये टेक्निकल बात है, हमारे बीच एक पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, आप कहें तो मैं उनसे सवाल करूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। कहाँ है? कहाँ है पुलिस अफसर साहब? आप देखो एक मोटी बात ध्यान में रख लो, क्राइम को कोई नहीं रोक सकता। कोई दुनिया में ऐसी सोसाइटी नहीं हुई जो क्राइम से मुक्त हो। परसेंटेज की बात है, परसेंटेज की बात है, कहीं 5% होता है, कहीं 75% होता है, ये फ़र्क है। खुशहाली जैसी कंट्रीज है, जैसे नॉर्वे है, फ्रीडम है, फिर वो स्वीडन है, डेनमार्क है, आप वो न्यूजीलैंड है, यहाँ रेट ऑफ क्राइम बहुत लो है, क्योंकि वहाँ खुशहाली है। सर, क्राइम कहीं पे भी ना रुका था, ना रुका है और ना रुकेगा, लेकिन उसमें कमी तो लाई जा सकती है अगर पुलिस जो है मुस्तैदी से काम करे तो। जब पुलिस मुस्तैदी से काम नहीं करती, अभी बैठे सामने, मैं डरती तो किसी से हूँ नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ, मुस्तैदी से अगर ये काम ये लोग कर लेना, उस दिन क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए और हो सकता है धीरे धीरे करके डे बाय डे क्राइम खत्म भी हो जाए और यहाँ जो है फिर राम राज शुरू हो जाए। देखिए थ्योरिटिकली ठीक बात है, सुनिए सुनिए, ये थ्योरिटिकली ठीक बात है कि ये खामी है तो उसका जो ग्राफ है नीचे होना चाहिए, लेकिन आजकल जो इतने चालाक मुजरिम हो गए हैं, तू डाल डाल में पात पात वाली बात है, वो कैसे नीचे होने देंगे क्राइम का? और फिर जिन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेट करना है वो तो शामिल हैं उस सारी बातों में। एक और भी सच है, देखिए सिर्फ पुलिस को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा पुलिस के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन आपने कहा क्राइम रोकना है, जो लॉ एंड ऑर्डर, जिस क्राइम रोकने के लिए जो पुलिसिंग है दिल्ली में, मुश्किल से 5% है, बाकी के आप पर डे देखें 30% कोर्ट की हाजिरी लगा रहे होते हैं, 40% वीवीआईपी की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, ये बात तो दफ्तर के काम में लगे हुए हैं, तो क्राइम कहाँ, रोकने वालों की तो तादाद ही नहीं है। ये बातें तब हो सकती हैं, सुनिए सुनिए, ये बातें तब हो सकती हैं उस दुनिया में हो सकते हैं जहाँ सोसाइटी को कायदे कानून का खौफ हो, जहाँ उन्हें पता हो कि मैं ये हरकत करूँगा तो मेरा ये बुरा अंजाम होगा। यहाँ खौफ तो किसी को है नहीं, आप बताओ किसको खौफ है? पीछे मैं शम से एक नमस्कार सर सुना दूं इनको, आप गौर से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, बड़ी चुभती बात है, बड़ी चुभती हुई बात है, सुनिए, दूसरे के अल्फाज हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। काबू में ये कताल का भंगी ना आएगा जिस वक्त तक पलट के फिरंगी ना आएगा। नमस्कार सर, सम सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और पूरी फैमिली के साथ आपकी वीडियोस देखते हैं हमेशा। मेरे दो सवाल हैं और दोनों बहुत जेन्युइन लगे मुझे, जो मेरे को पूछने चाहिए। पहला ये है कि जैसे आफ्ताब ने शुरू में टाला और बाद में उसने कन्फेस किया और अब वो बिल्कुल सारी बातें बताता रहा और एकदम से मुकर गया, मतलब अगर वो पहले ही बहुत चालाक होता और उसने बातें गढ़ी होती तो वो एकदम से बोलता क्यों? बातें और टाल सकता था, जहाँ उसने 15 दिन डाली, 1 महीना डाली और कुछ ना कुछ करके टाल सकता था, बट सडनली सब बताते बताते उसने एकदम से यू टर्न ले लिया, जैसे न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि अब वो गुमराह कर रहा है पुलिस को, इधर उधर ले जा रहा है, तो इसमें कैसे हुआ कि उसकी चालाकी एकदम से आ गई या फिर पुलिस की कमी है कि वो सबूत ढूंढ नहीं पा रही? देखो ये तुमने जैसे कहा ना टाला और कबूला, ये कैसे पता तुम्हें? सर ये आपके क्राइम तक शो देख के फिर तो पक्का सही होगा, लेकिन बताता हूँ तुम्हें, ये सारा खेल होता है टाला कबूला, लेकिन जब पुलिस कस्टडी में होते हैं तो आप कुछ चीज़ बताते हो, लेकिन हाँ 5 दिन रहा, कोई सबूत मिला नहीं, जैसे उन्होंने भी कहा फ्रिज में, घर के अंदर से कुछ नहीं मिला, जंगल में भी अब वो पता नहीं इंसान की हड्डी है जानवर की अभी कन्फर्म नहीं, जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी। लेकिन जब भी ऐसे केस में टालना हर अब ये चुके, इसलिए मैंने कहा ना कई सवाल हैं, 6 महीने तक उसी घर में रहा, प्लानिंग कर रहा है, घर से भाग नहीं रहा है, तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जब सारी चीज़ें पूछताछ हो जाएंगी तब क्लियर होगा। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कुछ कुछ सबूत हैं उसके खिलाफ जाते हैं, जैसे आरी खरीदी थी, फ्रिज खरीदा था, डॉक्टर ने पहचाना है, तो अगर
लाश नहीं मिलती है, बाई चांस अगर नहीं मिलती है और इन सब मुद्दों के बिना पे अगर उसको सजा होती है तो क्या सजा होगी? होगी तो कई केस हुए हैं जिसमें सरकमस्टेंशियल एविडेंस हुई है। टेक्निकल पहलू बताता हूँ, अगर लाश बरामद नहीं होती तो कत्ल का केस नहीं बन सकता। नहीं, इसको इसका टेक्निकल वर्ड कार्पस डिलिक्टी है, मेरे को मालूम है। लाश की बरामदी जरूरी है अगर किसी को कातिल करार देना है तो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लाश वही अभी मैं बता रहा था कि एक 11 साल पहले सेम केस हुआ था जिसमें आज तक बॉडी नहीं मिली है। पुलिस ने कुछ नमूने उठाए लेकिन DNA भी मैच नहीं किया। अब क्या हुआ कि अभी कोरोना में जो कातिल के तौर पर पकड़ा गया था वो बेल आउट है और पिछले 3 साल से बेल आउट है, लेकिन एकदम सेम केस है। मतलब मैं कोशिश करूंगा पूरी डिटेल तुम लोगों को जल्द बताऊं, लेकिन यही एकदम जो आफ्ताब और श्रद्धा का केस है हूबहू सिमिलर केस 11 साल पहले दिल्ली में ही हुआ था और उस केस का भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि वक्त कम है और दूसरा सेशन भी शुरू होना है। सईद भाई भी आ चुके हैं, वो दिखा रहे हैं उधर से, इशारा भी कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, बात की। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। ऐसे बात नहीं बनेगी। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए सुरेंद्र मोहन और जी और शम्स ताहिर खान जी का बहुत धन्यवाद। लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्यों? क्योंकि अगला जो सेशन है वो इससे बिल्कुल अलग है। अभी आपने क्राइम की, अपराध की बात की, अब आप प्यार मोहब्बत की बातें सुनेंगे। 3 बहुत ही अच्छे कवि, शायर और हमारी एक बहुत ही बेहतरीन एंकर, वो यहाँ पर आने वाली हैं बस कुछ ही पलों में। तो आप से निवेदन ये है कि आप कुछ देर और यहीं पर रहिए। सुरेंद्र जी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाइएगा, भी आ रहे हैं आपके बीच, लेकिन यहाँ नहीं, आगे बाहर, यहाँ से निकलेंगे।